अस्सलाम वालेकुम, नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। इस वक्त जो है मैं एक इफ्तिदाई तकरीब में मौजूद हूँ, जो एक इंस्टॉल किया गया है रेस्टोरेंट मोनाला बीच पर ओलिव एंड सिप के नाम से। और यहाँ पे एमपीए मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे साथ शमीम मुमताज़ पीपल्स पार्टी, शमीम मुमताज़ एमपीए पीपल्स पार्टी एंड सैयद सुहेल आब्दी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जिनका ताल्लुक है। आए शमीम मुमताज़ से हम बात करते हैं कुछ इस रेस्टोरेंट के बारे में भी, और उसके अलावा दूसरी कुछ गुफ्तगू करेंगे शायद मिर्च मसाले के साथ, तो इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। ये इस इनॉग्रेशन पर मौजूद हैं आप इस वक्त रेस्टोरेंट के, और इतनी दूर कराची से, कैसा हो फीलिंग? कराची से दूर कहाँ, ये भी कराची है और कराची का तो ज़ाहिर हुदूद अरबा बहुत बड़ा है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि ज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो कि मुर्तज़ा वहा साहब ने लिया था कुछ महीने पहले, और हमने ये बीच जो है वो तामीर किया था। और आज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर मुझे मेरी उससे ज़्यादा, जो मैं समझ रही थी कि लोग नहीं होंगे, मगर उससे ज़्यादा मुझे लोग नज़र आए। यहाँ एक रेस्टोरेंट का हमने आज इफ्तिताह किया है लिप एंड सिप के नाम से, और इसको आप आइलैंड होटल भी कह सकते हैं। और ये अच्छा है कि यहाँ बहुत, मैं समझती हूँ कि लोगों के लिए एक फैसिलिटी मुहैया की हमने, लेकिन यहाँ आने पर मुझे यह एहसास हुआ कि जो आम लोग आ रहे हैं उनको जो ये चेक पोस्टें बनी हुई हैं, मैं बिल्कुल बात करूंगी मुर्तज़ा वहाब साहब से भी, हमारा मैसेज जाएगा वहाँ तक भी, और मैं अपनी नेवी वालों से भी कहूंगी कि इस पर कुछ नज़रसानी करें, क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ख़ासतौर पर जिसमें ज़्यादा लोग हैं, उनको एक एक घंटा यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ रहा है अंदर आने के लिए कि उनकी चेकिंग होती है। तो चेकिंग के कुछ निज़ाम को बेहतर किया जाए, ड्राइवर का NIC रख लिया जाए, लोगों की गिनती कर ली जाए कि 30 लोग अंदर गए, 30 ही लोग वापस आए हैं, और वो NIC ड्राइवर को वापस कर दिया जाए। तो मैं समझती हूँ कि सेफ्टी है। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छा से सिंध गवर्नमेंट का। हम कराची से इधर से ही आए हैं, और रास्ते में कोई ये जो चौकियाँ वो नहीं, नहीं पे भी कोई मछली नहीं, नहीं अच्छा अच्छा इंतजाम था, सब कुछ अच्छा है, और यहाँ पे भी अच्छा है, अच्छा एनवायरनमेंट है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। हम बेहतर एक यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकेंगे लोगों को, और ये जो एक सेटबैक है इसका, ख़ास तौर पे ये रास्ते वाला इसको हम अगर कर लें तो मैं समझती हूँ कि ये बेहतरीन है। दूसरा ये कि हमें ये तासुर था जब हमने ये इफ्तिताह किया था कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो टिकट के नाम पर हो या कुछ हो, तो आज मैंने देखा कि यहाँ पर 50 रुपये का इन्होंने एंट्री भी टिकट रखी हुई है, फिर जो ये शेड बने हुए इसका भी एक किराया मखसूस किया इन्होंने। तो हमें इन पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि एक आम आदमी इस महंगाई के ज़माने में अपने बच्चों को एक सस्ती तफरी देना चाहता है, और सस्ती तफरी यही होती है कि हम जाएँ और कुदरती मनाजिर को फ्री ऑफ कॉस्ट देखें। हम कुदरती मनाजिर को देखने, ठीक है आपने सफाई के नाम पर लेने, आपने बैतुल खला साफ करने के नाम पर लेने, तो मिनिमम एक कोई चीज़ रख लें, लेकिन इस तरह की हम चीज़ें रखेंगे तो मैं समझती हूँ लोगों का रुझान जो है, एक तो शहर से इतनी दूर आना और फिर आने के बाद इस तरह के हर्डल को फेस करना, तो ये एक प्रॉब्लम होगी, हमें इसको ज़रूर देखना पड़ेगा। दूसरा, मैंने आज यहाँ मेरे दोनों काउंसलर मौजूद हैं, मैंने इनसे कहा है कि यहाँ पर तिब्बी इमदाद के लिए भी ज़रूर कुछ किया जाए कि कोई बच्चा है गिर जाए चोट लग जाए, तो उन्होंने कहा है कि मैडम हम करवाते हैं कि एक हम यहाँ पर कोई फर्स्ट एड का सामान कुछ रखवा देते हैं। दूसरा, फिर मैंने एक और भी कहा है कि नेवी वालों से इजाज़त ले के कोई एक दीवार जो है बहुत खूबसूरत पेंट कर लें, उस पर आबी हयात की तस्वीरें वगैरह बना दें, और उसके साथ चूंकि मैं बच्चों पे काम करती रही हूँ तो बच्चों के कंप्लेन का हमारा नंबर है 1121, जहाँ पे हम बच्चों की अपनी कंप्लेन गुमशुदगी की और मिसिंग चिल्ड्रन की और वो करवा सकते हैं, तो वो भी अगर हम यहाँ करवा दें तो आने वाले बच्चों के लिए एक आसानी हो जाएगी कि अगर कोई बच्चा मिसहैप हो जाता है, खो जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो हमें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे ही करने के काम है, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही हमेशा काम किया है और इस मरतबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करेगी। मैं अपने दोनों काउंसलरों को मुबारकबाद दूंगी कि दो ही सीटें थी, दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती, और 2023 भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है पूरे पाकिस्तान में, और वो सूरज बिलावल भुट्टो को इंशाल्लाह वजीर आजम देखेगा, और हम अपने बिलावल के लिए ही काम कर रहे हैं। 27 फरवरी को हमने निकलना है, भरपूर ताकत के साथ निकलना है, और इस नाहल सेलेक्टेड नालायक को हटा के हमने यहाँ पर अपनी आवाम की हुक्मरानी कायम करनी है, क्योंकि हमारा कहना यह है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, और आवाम ही जब रूल करते हैं तो रोटी कपड़ा और मकान की बात होती है, और हमने रोटी और कपड़ा मकान लोगों को पहुँचाना है। वो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियाँ नहीं, जिस पर यू टर्न हो गया है, हमने हकीकी तौर पर जो वादे किए हैं वो पूरे कर। जी आपने अपनी बातों से तो बड़ा इंस्पायर कर दिया लोगों को, व्यूज़ को, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जो है शहर से दूर है ये, और क्या कहते हैं हेल्थ के हवाले से यहाँ पे कोई इकदाम नहीं किया गया, जैसे आपने कहा अपने काउंसलरों को दोनों को कि हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ यहाँ पे कुछ करा जाए, फर्स्ट एड जिसको कहते हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कदम उठाएंगी बड़ा कोई, या 20 बिस्तर
हॉस्पिटल ऐसा कुछ? मैंने अभी बात की है अपने काउंसलरों से कि ये अपने लेटर हेड के ऊपर लिख के हेल्थ डिपार्टमेंट की जो हमारी मिनिस्टर हैं अदी अजरा पीजो साहिबा, उनके नाम एक ये लिख के मुझे दे देंगे कि यहाँ पर कम से कम 50 बिस्तर का एक हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि ये शहर से दूर इलाका है और यहाँ से किसी पेशेंट को ले जाना, ख़ासतौर पर माँ बनने वाला जो मरहला होता है वो बहुत नाजुक होता है, यहाँ से ख़वातीन को शहर ले कर जाना या बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे की हालत ऐसी हो तो रास्ते में कोई भी ऐसा मिसहैप हो सकता है कि बच्चे की या माँ की जान जा सकती है। तो हम मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इनकी अमली जामा पहनाते हुए एज ए एम पी ए मैं अदी से भी बात करूँगी कि यहाँ पर हमें फौरी तौर पर 50 बिस्तर का एक हॉस्पिटल, अब बजट आने वाला है, इस बजट में डाल दिया जाए और जब तक वो हॉस्पिटल बन रहा है, बनेगा इंशाल्लाह, हमने और काम किए हैं ये भी करेंगे, उस वक्त तक एक ट्रामा सेंटर छोटा कोई 2 कमरों का 3 कमरों का कि अगर हमें यहाँ के लोग जगह प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि हमें मिल जाएगी, हम बात करेंगे तो हमें एक छोटा सा ट्रामा सेंटर जो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद पहुँचा सके उस माँ को, उस बच्चे को या उस ज़ख्मी को, जो भी किसी सूरत में यहाँ होता है, तो मैं समझती हूँ कि हम इंसानी जान को बचा सकेंगे और एक इंसान की जान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है और ये काम भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही फोरम से होगा। शुक्रिया बहुत।